व्लॉग, संडे का दिन है एंड आज बहुत ज़्यादा एनर्जी है। आप देख सकते हो एनर्जी क्यों है, बिकॉज राइड पे निकले हैं सुबह सुबह एंड इतनी सारी लाउड बाइक्स है तो एनर्जी तो होगी यार। अभी का प्लान हम लोग का ये, हम लोग राइड करेंगे टूवर्ड्स रामेश्वर एंड वहाँ पे जाके थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट का कोई गारंटी नहीं होता है यार, हम लोग के राइड में का ब्रेकफास्ट इतना प्रीफर नहीं करता हूँ मैं। तो वहाँ जाते हैं, वहाँ पे थोड़ा देर रुकेंगे, उसके बाद रिटर्न करेंगे के 7:20 एंड एनर्जी अभी बहुत हाई है। अभी ठंड तो थोड़ी कम है, आज लास्ट दो दिन से कंपेयर करता हूँ आज ठंड थोड़ी कम है एंड धूप भी है, सो बहुत अच्छा लग रहा है आज चलाने में। आज का स्टार्टिंग पॉइंट हम लोग का अलग था, मैं मैक्सिमम टाइम घर से ही स्टार्ट करता हूँ। आज का जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो था चाय बिस्किट एंड बहुत सारे राइडर्स आते हैं यार, तो वहाँ से स्टार्ट करने में ना एक अलग ही फील आता है, वो बहुत अच्छा लगता है। एक घर से स्टार्ट करो आपको अकेले ही स्टार्ट करना पड़ता है, लेकिन अगर ऐसे कोई एक मीटअप पॉइंट से स्टार्ट करो तो यार फिर मज़ा ही आ जाता है, समझ रहे हो ना। थोड़ा हाईवे के ऊपर देख देख के चलाना पड़ेगा क्योंकि बहुत जगह कैमराज इंस्टॉल हो गए हैं एंड हाईवे का जो मैक्सिमम स्पीड लिमिट है वो है 70। सो जहाँ जहाँ कैमरा है थोड़ा देख के चलाना पड़ेगा यार, नहीं तो चलाना आएगा सीधा घर को। लगे हुए एंड ये भाई डिटेक्ट कर लेंगे स्पीड, बहुत जोर का लाउड होगा तो फ्यूल अप करा लेते हैं, एक ही बार कराएंगे तो पूरा राइड में और निकलना नहीं पड़ेगा। ओह माय गॉड, सो लाउड। सो दैट वाज अ निंजा 1000 विद स्कॉर्पियन फुल सिस्टम, बहुत ज्यादा लाउड है वो भी। लास्ट वाले वीडियो में जो लास्ट वाला व्लॉग में बताया था कि मेरे को बहुत सारे चीज़ों में अपग्रेड करना है, हो गया वो गोप्रो जैकेट, एयर फिल्टर एंड और भी बहुत कुछ था। तो अभी मैं ये डिसाइड किया हूँ कि फर्स्ट आई विल अपग्रेड फ्रॉम एसजे कैम टू गोप्रो, तो गोप्रो हीरो 7 पे अपग्रेड करूँगा। एंड अब आप लोग पूछना मत हीरो 8 पे क्यों नहीं अपग्रेड कर रहे हो, यार हीरो 8 10,000 रुपये महंगा है हीरो 7 से एंड हीरो 7 का भी अभी प्राइस ड्रॉप हो गया एंड हीरो 7 कोई ख़राब कैमरा नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छा कैमरा है। तो मेरा तो हीरो 7 से काम चल जाएगा, तो इसलिए मैं हीरो 7 ऑर्डर कराऊँ एंड बहुत जल्दी वो आ जाएगा मेरे पास। तो एसजे कैम का जो मोटो व्लॉगिंग सेटअप है उसको निकाल के गोप्रो का मोटो व्लॉगिंग सेटअप इंस्टॉल किया जाएगा। मैं यार बसेस बहुत है लेकिन वो पूरी वाले रूट में इतनी ट्रक बस ये सब नहीं मिलेगी आपको, बसेज मिलेगी ट्रक्स तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, लेकिन ये वाले रूट में बसेज भी मिलेगी ट्रक्स भी मिलेगा, तो थोड़ा कंजेस्टेड रूट है ये। लेकिन एग्जॉस्ट लगाने का यार एक बेनिफिट है, अगर आप कहीं सुबह सुबह निकल रहे हो ना तो मैक्सिमम टाइम होता क्या है सुबह सुबह नींद बहुत आती है, तो एग्जॉस्ट का जो साउंड है ना ये आपको सोने नहीं देगा बिल्कुल भी, तो नींद नहीं आएगी। अगर आप ही नहीं होगे ना वो साउंड से आप इरिटेट हो जाओगे, ज़्यादा लॉन्ग जा रहे हो तो एंड अपने आप नींद चली जाएगी, नींद तो आने से नहीं। तो इनडायरेक्टली भाई पुलिस की गाड़ी, तो इनडायरेक्टली आप सेफ हो जाते हो एग्जॉस्ट लगाने से, समझे। एंड अभी IBW 2019 चल रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता अगर IBW जाता तो, लेकिन इस साल नहीं हुआ, लेकिन कंफर्म नेक्स्ट ईयर IBW पक्का है एंड नेक्स्ट ईयर बाइक लेके जाऊंगा IBW में, बोला है नेक्स्ट ईयर देख लेना। ओहो माय गॉड, क्या पावर, ओहो मज़ा आ गया मज़ा आ गया। पे अभी द प्रेसिडेंट आने वाले हैं तो उसके वजह से यहाँ पे सिक्योरिटी है ना बहुत ज़्यादा टाइट है, तो इसके वजह से आप लोग देख रहे हो हर जगह पुलिस ही पुलिस है। तो अभी यहाँ पे कोई एक फंक्शन है उसके वजह से प्रेसिडेंट आने वाले हैं, तो सिक्योरिटी अभी बहुत ज़्यादा टाइट है। यार मैं सोच रहा हूँ बहुत दिन हो गए यार लॉन्ग राइड मारे हुए, अच्छी सी जो लॉन्ग राइड मारा था ना वो थी लास्ट नेपाल वाली राइड जो मैं मारा था जनवरी 2019 में, एंड अभी मैंने जनवरी 2020 आने को है, तो एक साल हो गए अच्छी सी बड़ी राइड नहीं हो पा रही है।
एक अच्छी बात ये है, प्रिपरेशन चालू है लॉन्ग राइड की, तो बहुत जल्दी जैसे एक बार प्लान फाइनल होता है मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मैं ऐसा नहीं होना चाहता कि यार आपको बता दूं लास्ट में प्लान कैंसिल हो जाए एंड देन फूफट हो जाए। मेरा कान गया। कुछ नहीं सुन रहा मेरे को। सो गाइस अभी पहुंच गए हम लोग रामेश्वर एंड यहाँ पे आप पीछे लाइनअप देख सकते हो। इधर हम लोग चार बाइक से मोटरसाइकिलिस्ट ग्रुप आए हुए हैं, तो उधर उन लोग अपना लाइनअप लगाए हैं एंड आज का जो राइड है ना बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। आप लोग तो देखे ही आने के टाइम आज स्पीड किया है, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं किया जैसे लास्ट टाइम करे थे, लेकिन अभी तो रूल्स वूल्स लग गया यार हर जगह एंड कैमरा जहाँ जहाँ लगा है उधर बिल्कुल ज़्यादा स्पीड नहीं चला रहे थे एंड वापस जाने के टाइम वही सेम रूट रहेगा, तो रूट दिखा के कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन एक बात है, वहाँ पे अभी जाने के टाइम एक दो फ्लाई बाइज रिकॉर्ड होगी, तो मेक श्योर फ्लाई बाइज देखना एंड अगर आएगी तो समझ लेना है फ्लाई बाय रिकॉर्ड हुई है एंड उसके बाद घर को जाएंगे। जो ऑल राइट, सो गाइज आज की जो राइड है वो ख़त्म हो चुकी है एंड बहुत ज़्यादा ही मज़ा आया आज की राइड में। हम लोग गए थे रामेश्वर तक, वहाँ पे रुके, वहाँ पे मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया, बहुत लोगों ने ब्रेकफास्ट किया एंड देन रिटर्न आ गए CBR मीटअप अटेंड करके रिटर्न आ गए। सो गाइज आज की जो राइड है बहुत ज़्यादा मैंने बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। स्टार्टिंग पॉइंट हम लोग का चाय बिस्किट था आचार्य विहार वाला, वहाँ पे मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स भी मेरे को मिले एंड कितने जन तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज भी किया मैं वहाँ पे था लेकिन मिल नहीं पाया। तो ऐसा मत करो अगर वापस नेक्स्ट कोई भी राइड की स्टार्टिंग अगर CB से होती है, क्योंकि CB में संडे को भीड़ बहुत होती है तो बहुत लोग आते हैं, तो अगर आपको मिलना है तो आओ यार, आके मिलो, मेरे को भी अच्छा लगता है एंड आपको भी मज़ा आएगा। सो गाइज वीडियो अच्छा लगा आपको पता है करना क्या है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो। विद दैट सेड गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।